गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज किरण राठौर व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे और हम सब यहाँ पे बिल्कुल अच्छे हैं। लास्ट टाइम जो मैंने मेरे चैनल पे एक वीडियो डाला था अबाउट माय फुटवेयर कलेक्शन, एंड उसमें आप सब ने बहुत भर भर के प्यार दिया। थैंक यू सो मच फॉर दैट। तो इस बार फिर से मैं लेके आई हूँ और आपको वीडियो स्टार्ट होने से ही पता चल गया होगा कि इस बार मैं अपना कौन सा कलेक्शन आपको शो करने वाली हूँ। तो मेरे पास बहुत सारा नहीं बट जितना भी कलेक्शन है आई एम गोइंग टू शेयर विद यू ऑल। और ये बहुत सालों का कलेक्शन है, ऐसा नहीं है कि मैंने अभी रिसेंटली किया है और कब कब लिया है। जितना मुझे याद है आई एम गोइंग टू शेयर एवरीथिंग विद यू ऑल। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। 3, 2, 1। तो सबसे पहला बैग जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ वो है ये यूमी का बैग। यूमी एक ब्रांड है एंड दिस इज़ नॉट अ ब्रांड प्रमोशन। ये मेरा मतलब ये वीडियो ब्रांड प्रमोशन नहीं है, ये मुझे आया था इंस्टाग्राम पे प्रमोशन के लिए। मुझे पर्सनली इनके बैग्स, इनका फैब्रिक स्टाइल, एवरीथिंग बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो ये एक ब्रांड है यूमी का, जिन जिनका मुझे लिंक याद है मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। दैट इट्स ऑन यू कि आप जाके वहाँ पे देखना चाहो। इट्स टोटली ऑन यू, नो कंपल्शन एट ऑल। तो ये यूमी ब्रांड का पर्स है, बहुत ही प्यारा है, बहुत ही स्टाइलिश है एंड यस स्पेशियस भी है। पूरा खोल के दिखाऊं, ये रहा, काफ़ी स्पेस है इसमें। क्या पड़ा है, कौन सा कार्ड है? तो ये है मेरा पर्सनल फेवरेट, इसको मैंने काफ़ी जगह काफ़ी बार यूज़ किया। इसी ब्रांड का एक और बैग है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ अभी। तो ये है वो दूसरा बैग यूमी ब्रांड का ही। सी हाउ स्टाइलिश, हाउ स्पेशियस, हाउ बिग इट इज़। बट मतलब मुझे ये बैग बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा स्पेशियस है। इसमें अगर आप एक दो दिन के लिए कहीं पे जा रहे हो तो आपके एक दो जोड़ी कपड़े भी आ जाएंगे और बहुत सारा स्पेस है। आप अपना लैपटॉप, आप अपना मेकअप, आपका डेली का सामान सब कुछ इसमें रख सकते हो। बट ओनली ड्रॉबैक दैट आई फाइंड इज वेरी हैवी, ये खाली भी बहुत हैवी है ना पियू? अभी पियू ने मुझे उठा के दिया, उसने बोले मम्मा बहुत हैवी है, तो ये खाली भी बहुत ज़्यादा हैवी है। तो आपके शोल्डर्स में दम होना चाहिए इसको कैरी करने के लिए। तो अदरवाइज इट इज़ वेरी नाइस, बहुत स्टाइलिश लगता है, बहुत ही प्यारा। और आजकल बिग बैग्स जो हैं बहुत ज़्यादा ट्रेंड में हैं, तो आई पर्सनली लाइक दिस वेरी मच। तो इन दोनों का जो भी पेज है वो मैं आपको शेयर कर दूंगी। और बेचारा इसके अंदर से मैंने सारे वो जो नीचे बस डाल के देते हैं वो निकाल दिया था, क्योंकि मैंने इसको काफ़ी यूज़ कर लिया है तभी टेढ़ा मेढ़ा होने लग गया है। वापस से जब मैं इसको रखूँगी तो सारे नीचे बस भर के अभी रखने वाली हूँ, वरना इसकी शेप बिगड़ जाएगी, देख सकते हो आप। तो आज मैं अच्छे से अपने सेट भी कर देंगे पीयू, है ना? तो दिस इज द सेकंड बैग। नाउ नेक्स्ट वन, ये हमने एक बार भी यूज नहीं किया। हाँ, ये नेक्स्ट है, कौन सी ब्रांड है ये? ज़ूक। यस, ये है ज़ूक बैग्स। हाउ स्टाइलिश इट इज। तो ज़ूक, ये मेरे पीछे की चेयर आवाज कर रही है। तो नेक्स्ट है ये ज़ूक बैग का, और सी हाउ स्टाइलिश इट इज। ये ज़ूक बैग का भी मेरे पास कोलैबोरेशन में आया था। आप बोल लीजिए जो आपके पास सारा तो सामान कोलैबोरेशन का। नहीं, शुरू के कुछ दिखा रही हूँ मैं, बाकी मेरा पर्सनल खरीदा वो भी काफ़ी कुछ है। अभी रिसेंटली मैंने एक चीज़ खरीदी है, वो मेरी फेवरेट है, वो भी मैं आपको दिखा दूँगी। तो ये है ज़ूक। ज़ूक की खास बात ये है कि इनके बैग्स बहुत ही कलरफुल होते हैं, इनके डिज़ाइंस बड़े ही यूनिक होते हैं, तो ये काफ़ी ट्रेंड में चल रहे हैं। और ज़ूक के बैग आई थिंक आपने बहुत ज़्यादा देख लिए होंगे, यूट्यूब पे भी देखा होगा, इंस्टाग्राम पे भी देखा होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने खरीदा है एंड बहुत कलरफुल होते हैं तो मुझे अच्छे लगते हैं। तो ज़ूक के मेरे पास 4 से 5 बैग थे, जिनमें से एक ये है। दूसरा दिखाना भी ज़ूक वाला, वो कलरफुल वाला। हाँ, एंड ये आपको बहुत अच्छा लगता है ना? यस। सेकंड ये है जो कि मुझे बहुत प्यारा लगता है, और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे देखते हो या यूट्यूब पे भी आपने मेरे व्लॉग्स देखे होंगे पहले के, तो इस बैग को तो आपने बहुत 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 ज़्यादा देखा होगा। इसको मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ किया, हद से ज़्यादा वाला यूज़ किया। तो सी हाउ कलरफुल दे आर। इसके अलावा दो और बड़े बैग्स आए थे ज़ूक के, वो मैंने एक मम्मी जी को दे दिया था
काफी बड़ा साइज था उसका, और वैसा ही सेम मम्मी को भी दे दिया था। तो मेरी मदर इन लॉ और मम्मी दोनों जुप के बैग यूज कर रहे हैं और काफी स्पेशियस है। मम्मी को तो इसलिए अच्छा लगता है कि कहीं पे भी आसपास जाना हो, जैसे गांव भी जाना है, कहीं भी जाना है, तो मम्मी बोलती है एक दिन के लिए जाते हैं तो एक दो जोड़े उसमें कपड़े रख लेते हैं। और मम्मी और पता ही ज्यादा मेकअप और स्किन केयर ये सब चीजों का उनका लफड़ा ही नहीं होता है, तो मम्मी बोलती है इसमें आराम से सारा सामान आ जाता है। मार्केट जाना है तो वाटर बॉटल आ गई, सब कुछ आ गया। तो दैट वे आई लाइक जू बैग्स, काफी स्पेशियस भी होते हैं, काफी कलरफुल और आई कैचिंग कलर्स होते हैं इनके। तो ये था ये भी कौन सा लगते हैं, कौन सा वाला, ये वाला कलरफुल वाला नहीं, जो दूसरा वाला, हाँ। फ्लोरल वाला ना, हाँ, हाँ अच्छा है। और अभी तो ये क्या पुराना हो गया, थोड़ा सा ऐसा कलर उड़ उड़ सा गया है, लेकिन फिर भी मैं इसको बहुत यूज करती हूँ। बस वो ये कि बोर हो गई मैं इसको यूज कर करके कर करके, और ये हर आउटफिट के साथ जाते क्योंकि कलर्स इतने सारे है ना, तो हर किसी के साथ जाता है। नेक्स्ट इज दिस गोल्डन बैग। आई लव दिस बैग बिकॉज कोई भी पार्टी में जाना हो, कुछ भी हो, तो ये बहुत प्यारा लगता है। एंड ये है प्राडा, बट रियल प्राडा नहीं है। मैंने ये लिया था झोटवाड़ा में एक शॉप थी, और कब लिया था, कम से कम 4-5 साल पहले, मोनोगुना की शादी के आसपास लिया था मैंने। तो 3-4 बैग लिए थे उस टाइम, सारे एक साथ दिखा देती हूँ मैं आपको। तो ये फेक प्राडा है, रियल प्राडा नहीं है, रियल प्राडा बहुत महंगा आता है। तो और भगवान ने चाहा तो रियल प्राडा भी लेंगे कभी ना कभी, होपफुली। तो ये है नेक्स्ट बैग, स्पेस इसमें काफी सही है। तो आपका मोबाइल, चार्जर, बेसिक थिंग्स, सब कुछ इसमें इजीली आ जाता है। और मैंने इसकी चेन को शॉर्ट कर रखा, अदरवाइज ये पूरा, मतलब ये डबल कर रखा है मैंने, इफ यू कैन सी, अदरवाइज ये पूरा लंबा चेन भी हो जाता है। तो दिस इज अगेन माय पर्सनल फेवरेट, जो कोई पार्टी है कुछ भी, और ये इंडियन वेयर, वेस्टर्न वेयर सबके साथ बहुत अच्छे से जाता है। नाउ नेक्स्ट इज दिस ऑरेंज वाला बैग, बहुत ही प्यारा है, क्लच है ये, बहुत ही प्यारा, बहुत ही स्टाइलिश लगता है ये, सी है ना, कितना प्यारा लग रहा है ना। इसका कलर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, ये भी मैंने उसी टाइम लिया था, बट द ओनली थिंग, और मैंने शायद इसको एक ही बार उस टाइम शादी के टाइम पे यूज़ किया था, उसके बाद यूज़ ही नहीं किया। बट इसमें एक पंगा हो गया जो कि मुझे ठीक कराना है, इसका ये चीज़ निकल गई है ऐसे, मतलब इसको खोलने की जरूरत नहीं है, ऐसे खुला हुआ है। तो मैंने इसको रख रखा है कि मैं इसको ठीक करवाऊंगी, बट मैं अभी तक ठीक नहीं करवा के लाई हूँ इसको, तो ये मुझे करवाना है ठीक। कोई आपकी ऐसी शॉप पता हो जहाँ से ठीक करवाया जा सकता है तो प्लीज़ डू लेट मी नो, बिकॉज मुझे अब नहीं पता कि अभी जहाँ से मैंने जिस शॉप से लिया था वो अभी ओपन है कि नहीं है, आई डोंट नो। तो दिस इज अगेन, एंड आई लव दिस कलर सो मच, इसका डिज़ाइन देखिए आप कितना प्यारा है, सब कुछ बहुत ही प्यारा है, बट ये चीज़ ख़राब हो गई। तो ये तो शायद उनके पास ग्लू होता है जिससे कि चिपक जाएगी, बस मेरे को जाने भर की ही देर है। ये भी मैंने उसी टाइम पे उसी शॉप से लिया था, और ये भी बहुत प्यारा है, मतलब साड़ी के साथ, पोशाक के साथ, सूट के साथ, मतलब इंडियन वेयर के साथ बहुत ही प्यारा लगता है ये। आई लव द कलर, और इसमें सारे मोती 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 का वर्क है। ऐसा ही सेम मैंने लिया था रेड कलर का, उसमें इस ये जो मोतियों का जो चेन है उसकी जगह पे चूड़ी वाला जो होता है ना, चूड़ी का पकड़ने का वो है, बट वो निकल गया उसका, इसलिए मैं आपको नहीं दिखा रही हूँ, बट वो भी बहुत प्यारा है। उसको भी मुझे वापस, अब मुझे ये नहीं पता कि चूड़ी के ऊपर का हैंडल टाइप था वो कहाँ गया, मिलता है तो मैं उसको अटैच कर ज़रूर करवाऊँगी, बिकॉज उसका भी कलर बहुत ही प्यारा है, इंडियन वेयर के साथ, एथनिक वेयर के साथ बहुत अच्छा लगता है वो। सी हाँ, नाउ दिस वन ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है, दिस इज सो क्यूट। और ये मैंने कब लिया था, 3-4 साल पहले हम लोग गए थे दिल्ली, दिल्ली में इनके एक्चुअली मामू सा रहते हैं, तो हम 2-4 बार जा चुके हैं वहाँ पे। तो कौन सा मार्केट है वो, मुझे याद नहीं आ रहा, सरोजनी, हाँ सरोजनी मार्केट, हाँ। तो सरोजनी मार्केट में वहाँ पे सबको पता है कि ये ना वहाँ पे सस्ते सस्ती चीज़ें मिलती है, कपड़े, देन मेकअप की चीज़ें, मेकअप तो कौन खरीदने वाले खरीदते भी होंगे, बट ऐसी एसेसरीज सब कुछ बहुत प्यार होते। मैंने ही वहाँ से लिया था, और जब भी मैं इस बैग को कैरी कर, इसमें आता कुछ भी नहीं है, आप एक चार्जर ज़रूर अपना आईफोन का डाल सकते हो, उसके अलावा मतलब लिपस्टिक डाल सकते हो या छोटी मोटी ऐसी कोई चीज़, पिन वगैरह वो सब डाल सकते हो, उसके अलावा इसमें आपका मोबाइल भी नहीं आता है, बट दिस इज लाइक स्टाइल करने के लिए है ये सिर्फ, लेकिन ये लगता बहुत ही प्यारा है। ये टोट बैग है, यस, अच्छा हो पीयू ने मुझे नाम बता दिया, मैं भूल जाती हूँ नाम। नाउ नेक्स्ट इज दिस टोट बैग फ्रॉम लावी, ये मैंने अमेजोन से ऑर्डर किया था काफ़ी टाइम पहले, 6-7 साल हो गए होंगे आई गेस, आई डोंट रिमेम्बर, बट इसको मैंने बहुत 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 ज़्यादा यूज़ किया है, और अभी भी ये रफ एंड टफ बैग है,
जैसे मार्केट जाओ या कहीं पे भी जाओ कैरी करने के लिए अच्छा। अच्छा मुझे एक चीज और पूछनी थी कि ना मैं गोवा जा रही हूँ अभी, तो उसके लिए ये वाला बैग सही है कि जो जूक वाला मैंने आपको दिखाया था, ये सही है कि ये तो मैं बिल्कुल नहीं, ये सही है, इसको मैं भी कम प्रेफर कर रही हूँ बिकॉज ये ऑलरेडी बहुत भारी है, फिर इसमें सामान डाल दूंगी तो मेरे तो कंधे ही दर्द हो जाएंगे। तो इन दोनों में से बताना, जूक वाले में से या इनमें से, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि एक में बड़ा बैग लेके जाऊँ, क्योंकि मेरा लैपटॉप तो नहीं लेके जाऊंगी बट मेरा वो होगा क्या टैब होगा, फोन होंगे, देन थोड़ा बहुत मेकअप का सामान, तो बेसिक चीजें होंगी जो मैं साथ में कैरी करूंगी वो रहेगा। तो दिस वन इज बेटर और दिस वन, डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। वैसे तो दोनों में आ जाएगा टैब, तो टैब आ जाएगा हाँ, लेकिन इसमें ज्यादा सही रहेगा आई गेस टैब, है ना, इसमें स्पेस वगैरह काफी है और दो अलग अलग चेन है तो मेकअप भी आ जाएगा, वो भी आ जाएगा। हाँ, तो यही लेके जाओ ना, थोड़ा सा पुराना हो गया बस ये। पुराना लग रहा है क्या पियो, पुराना लग रहा है क्या, थोड़ा थोड़ा लग रहा है ना, तो भी जाने थे फिर भी आप जरूर बताना कि कौन सा बैग मुझे लेके जाना चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज दिस बॉक्स बैग, ये हमने इसके साथ बहुत बार लिया है। यस, और ये मैंने लिया था अहमदाबाद में एक एग्जीबिशन में मैं गई थी, वहां से लिया था, ये शायद था 600 समथिंग का, और ये मुझे बहुत प्यारा लगा था स्पेशली बिकॉज ऑफ द कलर एंड दिस बॉक्स बैग उस टाइम पे बहुत ज्यादा ट्रेंड में चल रहा था, तो मुझे लेना भी था और मुझे दिख गया तो मैंने ले लिया। देखिए कितना प्यारा लगता है इसका वो स्लिंग जो आती है ना डोरी, वो भी है अलमीरा में रखी है, शायद चेन नहीं डोरी जो होती है ना वैसी वाली वो है, चेन नहीं है तो, लेकिन मुझे ऐसे कैरी करना अच्छा लगता है इसलिए मैंने वो हटा दिया, मोस्टली सब बैग्स का मैंने हटा रखा है। तो आई लाइक दिस वन टू। नाउ नेक्स्ट इज दिस वन, दिस वन बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा बैग है ये, मुझे इसके फ्लावर्स बहुत अच्छे लगे थे और ये शायद मैंने अमेजोन से ऑर्डर किया था, तो ये है और इसमें भी आपकी बेसिक बेसिक चीज़ें इजीली आराम से आ सकती है। इसका भी साइड वाला वो है टांगने का बट वो भी मैंने हटा रखा है, और ये है, कैसा लग रहा है, प्यारा लग रहा है ना, क्यूट लगता है मुझे ये बैग, मैं यहाँ गोवा लेके जाना ये हाँ। नहीं यार देखेंगे, चलो डिसाइड करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज दिस, ये भी मुझे बहुत प्यारा लगता है क्योंकि इसको ऐसे डाल लो, आता इसमें कुछ भी नहीं है इसको पापा ने तोड़ भी दिया, पापा ने तो नहीं तोड़ा, ये टूट ही गया, पापा ने नहीं तोड़ा, ये एक्चुअली सूटकेस में मैंने पैक किया था कहीं मैं गई थी तो मैंने सारा सामान, तो पापा ने थोड़ा जोर लगा दिया था बंद करने के लिए, तो उसके बाद थोड़ा सा क्रैक आ गया इसमें बट वो दिखता नहीं है। मुझे इसकी कलर की वजह से बहुत ज़्यादा पसंद है, प्लस ऐसे बैग्स भी बीच में बहुत ज़्यादा चल रहे थे इसलिए मैंने लिया था, और मैंने ये लिया था बापू बाजार से, मैं और सपना बापू बाजार गए थे लगभग 1.5 साल पहले जब मैं अहमदाबाद से आई थी, तब हम लोग गए थे बापू बाजार जब सपना ने कंसीव नहीं किया था, उससे पहले की बात है, तो वहाँ से हमने थोड़ी सी शॉपिंग करी थी, उसमें से एक ये भी था, तो मुझे ये बहुत पसंद है ये बैग। तो दिस इज वेरी क्यूट बैग, ये मैंने लिया था कब, जब मेरी और ऋतुराज की सगाई हो गई थी और फिर उसके जब हम शादी की शॉपिंग वगैरह ये सब कर रहे थे तब हम बापू बाजार गए थे, ये भी बापू बाजार से, तो तब हम मैंने ये लिया था शादी के हिसाब से कि अच्छा लगेगा, तो ये है, इस पे पीकॉक बना हुआ है इफ यू कैन सी, सो आई एम बैक, यस राज आ गया था, उसको सेटल करके आई हूँ कि बेटा थोड़ी देर बस 5 मिनट रुक जा फिर मैं तेज से वापस मिलती हूँ। सो यस, मैं बता रही थी इस पर्स के पीछे की कहानी, इस क्लच के पीछे की कहानी, तो ये मैंने लिया था जब आफ्टर माई सगाई और शादी से पहले के जो हम प्रिपरेशन करते सामान खरीदते हैं तो उसमें ये लिया था, और ये मुझे बहुत पसंद है, इसमें भी आता कुछ भी नहीं है लेकिन ये हाथ में लिया हुआ अच्छा लगता है इसलिए, और काफ़ी टाइम से मैंने इसको यूज़ नहीं किया, अब कुछ होगा तो फिर मैं यूज़ करने वाली हूँ इसको। तो ये एक ब्रांड की तरफ से आया है जो कि है artclim.com, इसका भी अगर मुझे लिंक मिलेगा ब्रांड का तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, और ये इन्होंने दो पर्स भेजे थे, मतलब ट्विनिंग वाला पर्स भेजा था, एक मेरे लिए और एक इतने से क्यूट सा साइज का है, इतने छोटे इतना साइज का छोटा सा पीहू के लिए, तो बहुत ही प्यारा है, अभी वो शायद अंदर रखा है, मुझे मिला नहीं, मैंने शायद अंदर रख रखा है उसको, तो वो अगर कभी मिलेगा तो मैं अपने किसी ब्लॉग में आपको दिखा दूंगी। तो ये भी बहुत प्यारा है और मुझे इसका कलर बहुत ही प्यारा लगा था, मतलब वाइट ड्रेस हो उसके साथ कितना प्यारा लगे, ये बहुत ही प्यारा ब्लूइश हो लाइट कलर की उसके साथ भी बहुत प्यारा लगे, मतलब बहुत ही प्यारा मुझे ये लगता है। रिकॉर्डिंग तो हो रही है ना, सो एंड एक ये
भी है, ये भी एक ब्रांड की तरफ से आया था, इसका भी मैं लिंक शेयर कर दूंगी आपके साथ। और ये बहुत ही प्यारा सॉफ्ट कपड़ा है और इस पे बना हुआ है ताजमहल, इफ यू कैन सी, बहुत ही प्यारा लग रहा है। और क्लच है, बहुत ही स्टाइलिश है, बहुत ही एलिगेंट है, मुझे ये भी बहुत पसंद आया था। सेम ही मतलब एजेंसी की तरफ से था, ब्रांड शायद डिफरेंट थी, जो भी होगा मैं देख के आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। देन नेक्स्ट इज दिस, दिस इज अगेन इम्पैशन करके एक ब्रांड है, उसकी तरफ से था ये। और इसका ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि बहुत ही स्टाइलिश लगता है ये, और साइज़ भी बिल्कुल परफेक्ट है, कलर मेरा फेवरेट है। और ये सपना को भी बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरे पीछे बहुत पड़ी थी कि जीजा मुझे दे दो, मुझे दे दो, लेकिन मैंने नहीं दिया, मैंने कहा यूज़ कर लेना और दूंगी नहीं कभी भी। तो इसमें भी स्पेस काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा स्पेस है कि आपका जो भी मतलब नॉर्मल अगर आप बाहर जा रहे हो तो आपका जो बेसिक चीज़ें होती है जैसे मोबाइल हो गया, चार्जर हो गया, ये एक दो चीज़ें आपके मेकअप से रिलेटेड, वो सब कुछ इसमें इजीली आ जाता है और बहुत स्टाइलिश भी लगता है, इफ़ यू कैन सी। तो आई लव दिस बैग वेरी मच। नाउ नेक्स्ट इज दिस, पिंकिश कलर का ये पर्स है और फेंडी एक ब्रांड है उसका है ये कोलाब्रेशन में नहीं है, ये एक्चुअली मेरी एक फ्रेंड है भावना, वो काफ़ी टाइम पहले की बात है, शायद वो दिल्ली या मुंबई गई थी तो वहाँ से कुछ पर्स लेके आई थी, तो उसमें से मैंने एक लिया था ये। इसका जो साइड का जो स्ट्रैप है वो भी ऐसा ही पूरा बना हुआ है, इसके अंदर स्पेस है काफ़ी, प्लस इसके अंदर एक पाउच टाइप आया था, व्यू पाउच पड़ा है वहाँ पे, इसके अंदर एक पाउच टाइप आया था, तो दिस इज जस्ट अ ओवर कवर, उसके अंदर सारा सामान आ जाता है, तो उसको मैंने एज अ मेकअप प्रोडक्ट रखने के लिए यूज करना शुरू किया था। और इसको पर्स तो ये इसके अंदर आता है ऐसे, ये ऐसा है ये पूरा, है ना, तो बहुत ही प्यारा है ये और बहुत ही स्टाइलिश लगता है ये जब आप इसको यूज करते हो तो। लेकिन ये बहुत पुराना हो गया है अभी, बट स्टिल आई लाइक दिस वन वेरी मच, और कभी भी लोग ये आउट ऑफ फैशन नहीं जाता है ये। ये मैंने लिया था पता नहीं कहाँ से, नॉर्मल घर के आसपास ही कोई शॉप होगी शायद, वहाँ से लिया था। और ये है बहुत ही सस्ता, 199 शायद, वी आर मार्ट, एन आर मार्ट नहीं, वी आर मार्ट से लिया था शायद। और मुझे इसे कलर बहुत प्यारा लगा था इसलिए मैंने लिया था कि किसी भी साड़ी के साथ ही अच्छा लगे, सूट के साथ अच्छा लगे, उसके हिसाब से लिया था। शायद मैंने इसको अब तक एक बार यूज़ किया है, बट मुझे इसे कलर बहुत ज़्यादा पसंद है, स्लीक सा है, छोटा सा है, कहीं जाना हो तो आप बस कैरी कर सकते हो अपने साथ, इसलिए मैंने लिया था। बहुत टाइम हो गया इसको, 2-3 साल तो हो ही गए कम से कम। लेटेस्ट परचेज, और ये मैंने लिया था लाइफ स्टाइल स्टोर से और ये मुझे बहुत प्यारा लगा था, बहुत स्टाइलिश लगा था। दिस इज़ माई करंट परचेज और करंट फेवरेट टू, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसका पैटर्न और स्टाइल और कलर एवरीथिंग, स्पेस भी इसमें काफ़ी अच्छा है। एंड इसमें भी साइड में एक स्ट्रैप थी ये लगाने वाला, बट मैंने हटा दिया, मुझे ऐसे ही कैरी करना पर्स ज़्यादा पसंद है। सो दैट इज़ ऑल फॉर द डे, इस वीडियो में इतना ही, कि मैंने अपना जो भी कलेक्शन था पर्स वगैरह का वो आपके साथ शेयर किया है। आप मुझे बताना कि आपको कौन सा अच्छा लगा, मुझे इसमें मैंने आपको बताया जो जो 3-4 हैं वो मेरे बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं और बाकी तो नॉर्मल हैं ही हैं, उनमें से एक ये भी है क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसको मैंने 1 या 2 बार यूज़ किया है अब तक, और बस दैट्स इट। आई होप आपको आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड येस टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन कि आपको इन सब में से सबसे अच्छा कौन सा पर्स लगा, और आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं। वैसे मैंने कुछ टॉपिक सोच रखे हैं, बट उसके अलावा भी यू कैन सजेस्ट मी समथिंग जो कि आप चाहते हैं कि मैं उन पे वीडियोस बनाऊं। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, अगर आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो ऑफकोर्स आपको पसंद आया होगा, तो सब्सक्राइब किए बिना नहीं चाहिए। एंड येस डू शेयर विद योर फ्रेंड्स टू। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। रबड़ तो हटा दूँ। चलो ये हो गया।